जहर बुजी नागिन को आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान की पत्रकार। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और आप में से बहुत सारे लोग इस नागिन को जानते भी होंगे। yes. इस नागिन का नाम है फिजा अकबर खान। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा। इस बंदी ने जब से अपनी रिपोर्टिंग करियर शुरू किया है तब से ही सिर्फ कश्मीर में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना जुल्म कर रही है। जो कश्मीर के हवाले से बात जब भी इनसे की जाती है, कश्मीर के बारे में कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है जी, जी। और नहीं तो क्या, कहाँ लिखा है कि कश्मीर इनका अटूट अंग है? जो उन्होंने नाइंसाफी की कश्मीर के साथ, हट पागल औरत, आपके सामने है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, आए दिन वहाँ पे इनकी लाखों की तादाद है, इनकी फौज, कश्मीरी पंडितों की बात कर रही हैं मैडम, आए दिन वहाँ पे क्या किया जा रहा है। और तो किस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कम से कम 2 घंटे खराब किए ये देखने के लिए कि ये बंदी कभी गिलगित बाल्टिस्तान पे न्यूज कवर करती है या नहीं करती है। हलवा पकाओ। और आप यकीन मानना मेरे सारे 2 घंटे व्यर्थ चले गए, ऐसे नहीं होते, बर्बाद हो गए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पिछले 3 महीने पहले गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर चल रही थी आजादी की तहरीक है। गिलगित बाल्टिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। महाराजा की 84,471 मरबा मील जिसका फैसला होना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जीबी की जमीनों पे कब्जे करना चाहती थी जो कि वहाँ की आवाम को पसंद नहीं आया। गाइस मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, गाइस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस खूबसूरत खित्ते के अंदर गाइस कुछ इस तरह के लोग काबिज है कि जो इस मुल्क को खुश रहना नहीं दिया जा रहा। और गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है और वहाँ के लोगों की क्या राय है आज ये चेक करेंगे। तो सीधा चलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है जी, 1947 को हमने आज़ादी ली, खुद बखुद हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज़ादी ली, तो क्या समझते हैं आप कि वो आज़ादी लेना आज हमारे लिए सही था? जिस तरह की गवर्नमेंट हमारे लिए इकदाम कर रही है, आप इन इकदाम से खुश हैं? नहीं, आज़ादी तो हम जो है ना पाकिस्तान के दीगर प्रोविंस के जो लोग हैं उनका अलग एक हिस्ट्री है, गिलगित बल्तिस्तान की एक अलग हिस्ट्री है। हम खुद जो है ना, हम अपने आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने जो है ना डंडों के ज़ोर पर गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया और हमने खुद विलिंगली हमने पाकिस्तान के साथ हमने इल्हाक किया। वी प्राउड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी, हम फख्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना ना आवाम के लिए और एम्प्लॉय के लिए जो उनका हुकूक है वो राइट तो उनको भी लेना, जब राइट भी नहीं मिलता है तो फिर इस तरह लोग जो है आज एम्प्लॉय यहाँ रोडों पर है, कल आवाम रोडों पर आएगी। हम नहीं चाहते हैं इसको कि सियासी प्लेटफॉर्म में हम लेके जाएँ, फिर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इसको जो है ना एक सियासी उसको हम इन्वॉल्वमेंट लेकर आएँ और गिलगित फजा का, गिलगित बल्तिस्तान का फजा जिससे खराब हो। अभी तो भाई कह रहा था लाठी डंडों के दम पे इन्होंने आज़ादी हासिल की, तो भाई निकालो उन लाठी डंडों को बाहर और दो पाकिस्तान आर्मी के सर पे जब वो तुमको हकूक ही नहीं दे रहे। तो सही बात है, मैं बताना ही चाह रहा हूँ, पाकिस्तान अगर देखे जाए गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, सब्सिडीज़ दे। अगर आप श्रीनगर की बात करेंगे इंडिया की, कश्मीर की, तो वहाँ पर डेवलपमेंट $14 बिलियन के उन्होंने बजट पास कर दिया अभी। मैं पूरी बात कर लेने दे अपनी, वहाँ पर पेश कर दिया ये मुतनाज़ा इलाका, यहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करती है। जब यहाँ पर इस तरह के धरने देंगे, जब हकूक नहीं देंगे, तो इस तरह का क्या इमेज जाएगा हमारा पूरे पूरी दुनिया के अंदर? नहीं भाई देखे, इंडिया की जो आपने बात छेड़ी, इंडिया जाए बाढ़ में, इंडिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना? वो श्रीनगर में, कश्मीर में, ठीक है ना, अच्छा करता है अच्छा करे, बुरा करता है ठीक है ना? हम पाकिस्तानी हैं, हम फख्र के साथ पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए बैठे हैं, ठीक है ना? इंडिया के बाढ़ में, इंडिया के, जब इंडिया हमेशा उधर से जो है ना आवाज़ें उठाता है, हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे उनकी बाप की जरूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया वालों से आज़ाद कराया है अपने हमारे दादा परदादों ने डंडों के ज़ोर से। आज तो डंडों का दौर नहीं है, आज डंडे और कुल्हाड़ियों का दौर नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हम इंडिया को, हम पाकिस्तान, मैं ये कहूँगा हम बिना वर्दी के पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टर से हैं। वक्त आएगा इंडिया के बॉर्डर में हम जाएंगे, हम घुसेंगे इंडिया वालों को। मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, वो लाठी डंडे बाहर निकालो, पाकिस्तान आर्मी के सर पे मारो, जिन लोगों के लिए तुमने लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई तो तुम्हारी बेकार हो गई। सही बात है। और इतनी बढ़ के मार रहा है कि इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया में घुस के मारेंगे, आटा तो ले लो मेरे भाई, आटा तो तुम्हें मिल नहीं रहा है। कि इस वक्त मौजूदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में हर सूबे, हर उसके अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा 20 किलो के ठेले के आटे के लिए लोग तरस रहे हैं। आटे के लिए तुम तरले कर रहे हो और इंडिया में घुसोगे? अबे पेट भरा होगा तब घुसोगे ना इंडिया में। तो मेरी आपसे गुजारिश है सीएम साहब से, खालिद खुर्शीद साहब से और उनके काबिना से, कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं
हमारी माएँ हमारी बहनें रोडों पर आती हैं खुदारा कि निज़ाम को मफलूज ना करें, गड़बड़ ना करें। काइंडली जो है ना गिलगित बल्तिस्तान का आटे का जो बहरान है उसको फौरी तौर पर बहाल करें। आ गए असली पाकिस्तानी वाली औकात पे, आटा नहीं है। और आवाम को जो ना उनको रिलीफ दिया जाए। स्पेशली मैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से सैयद मेहदिशाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और कर लो पाकिस्तान की जी हुजूरी। आज हिंदुस्तान के कश्मीर और लद्दाख का जो डेवलपमेंट देखोगे ना आगे फट जाएगी। तुम्हारे गिलगित में ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना अच्छी सड़कें, ना अच्छे स्कूल है, और इंडिया में घुसेंगे ये जो ये धरना दे रहे हैं। तो ये चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर पूरे पाकिस्तान की अगर इस टाइम बात करेंगे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस है, हमें एनर्जी क्राइसिस है, हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? हमें अपनी गलतियां देख लेनी चाहिए खुद या दूसरे हमें दिखाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों को हकूक नहीं दिए जा रहे, यहाँ पर आटे की सब्सिडी छीन ली गई। इन सब चीजों के बारे में बात करें, हुब्बुल वतन होना चाहिए। पहले पूरी मेरी पूरी बात हो लेने दे, काइंडली मेरी बात पूरी हो लेने दे। हम हुब्बुल वतन है, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, मैं हुब्बुल वतन हूँ। जब मैं एक चीजों को जहां पर हमें नजर आ रहा है कि यार आटा नहीं दिया जा रहा, लोग पब्लिक रोड पे आ रही है, एक बंदा क्या मांगता अपने मुल्क से? आटा मांगता, पेट भर के रोटी मांगता। जब वो ही नहीं मिलेगी तो फिर वो मुल्क के शहरी कैसे गुजरेगा? आप मुझे बताएं। डिमांड भी करते हैं बिल्कुल अपने लीडर से जो पाकिस्तान को चलाते हैं, जो अच्छे अच्छे मनसब पे बैठे हैं, उनको चाहिए पाकिस्तान को स्टेबल करें, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं, चोर डकैतियां ना करें, करप्शन ना करें, एक दूसरों के पीछे ना लगें, पाकिस्तान को अच्छे वे में लेके जाएं, उसमें हम सबकी खुशी है। ठीक है ना, हम यहाँ जिस पर्पस के लिए बैठे, एक वन पॉइंट एजेंडा है हमारा। छोटा मसला क्या बड़ा मसला? मसला तो बड़ा है देखा जाए तो। पहले आपने बात की थी ये मसला बहुत छोटा है, जब छोटे मसले सॉल्व नहीं हो रहे, छोटा है देखा जाए तो छोटा। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ ना यार, मेरी बात को पूरे होने तो, काइंडली मुझे भी बोलने का मौका दे। मैं यही बता रहा हूँ मसला छोटा है, जब इतने से छोटा सा मसला ये हल नहीं हो रहा हमसे, हमारी गवर्नमेंट से, तो क्या समझते हो आपके बड़े मसले? अभी सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए रोटी का है ना सर, ये मसले तो बाद के बाद है। आप तो गवर्नमेंट मुलाजिम है, आपको तो सैलरी भी आती होगी, आप गुजारा कर लोगे। मैं छोटे तबके के पास भी होके आया हूँ, यकीन करें गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर इन लोगों को नेशनल इलेक्शन में वोटिंग देने का राइट ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जीबी का जो नागरिक है वो पाकिस्तान में जाके कहीं प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता, और पूरे पाकिस्तानी आके गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं भी रह सकता है। और तीसरा, जो इन पाकिस्तानियों को हक है उसके आधे हक भी इन गिलगित बाल्टिस्तान वालों को नहीं मिल रहा है, इसलिए तो वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। क्या लगता है कि आपको जिस तरह की सिचुएशन मौजूदा मुल्क में अंदर चल रही है, 1947 को आप आजाद हुए, गिलगित बल्तिस्तान ने स्पेशल बात यह कि हमने खुद डंडे के जोर पर आजादी ली है, क्या आजादी लेकर आज हम पछता रहे हैं? क्या लगता है? मेरा सवाल है, आपने इस सवाल को सीरियस नहीं लेना, आपने इस सवाल को लॉजिकली तौर पर लेना कि जिस तरह के सिचुएशन पैदा हो चुके हैं, आटा नहीं मिल रहा गरीब को, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की आबादी, और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात यह कि 99% लोग पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिले इतने मशहूर है। ये सब कुछ होने के बाद, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी आज हम यहाँ पर अपने हकूक के लिए रोडों पर सड़कों पर आए हुए हैं, क्या हमारा ये कसूर है कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया था? क्या लगता है आपको इसकी बुनियादी जो वजह है वो तो ये है कि जो निज़ाम है इस वक्त सिस्टम वो एक अपर लेवल का जो क्लास है, एलीट क्लास, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें जर्नल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, और कुछ बचे कुछ उनके वफादार सियासतदान हैं। ये मुल्क उन्हीं के लिए बना है, ये मराद भी मज़े भी वहीं लूट रहे हैं। बाकी जो वर्किंग क्लास है जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, पहिया चलता है, दफ्तरों का निज़ाम चलता है, देखो ये सारी वर्किंग क्लास है, बिल्कुल सही बात है, इनकी वजह से पूरा निज़ाम का पहिया चलता है। ठीक, ये लोग जो है वो अपने मोहल्लात में बैठकर इनकी मेहनत को चुरा कर अयाशियां करते हैं। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद मैं आपके जो भी विचार दिमाग में उमड़ रहे हैं उन उमड़ते हुए विचारों को कमेंट सेक्शन में फेंक जाइए, ताकि आपके विचारों से पूरी दुनिया अवगत हो, पूरी इंटरनेशनल मीडिया अवगत हो। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।